वेलकम टू कारगोल मिस्ट्री चैनल। माय नेम इज़ दीपक कारगोल। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, जो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी का एक बहुत अंतर है। और ये जो नदियाँ अपन बात करेंगे, ये नदियाँ की बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और राजस्थान से ये प्रभावित होती है। और इन सब में अपन अगर मानचित्र की अगर बात की जाए तो ये जो आपके पास में दे रखा है ये अपने राजस्थान का मानचित्र है। देखिए, अगर अपन बात करें तो इसकी अपन बात करें कौन से ज़िले में कितनी नदियाँ बहती हैं, कहाँ कहाँ प्रभावित होती है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बात करते हैं जो अपना जो टॉपिक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन नदी की बात करें तो अपने पास में सबसे पहले जो नदी रहेगी वो रहेगी बेडच नदी। देखिए, बेडच नदी की अगर अपन बात करें तो इसको उद्गम की अगर बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो गोकुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर के उत्तर में, यानी अपने पास में जो उदयपुर आपने देखा होगा, ये अपने राजस्थान का मैप हो गया, राजस्थान का मैप है। यहाँ पे अपना क्या पड़ता है, उदयपुर पड़ता है। इस उदयपुर के उत्तर दिशा में, यानी इस यहाँ पे गोकुंदा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और इन गोकुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है। इसका प्रवाहित जिले अगर बात करें, प्रवाहित जिले की बात करें तो सबसे पहले उदयपुर में, उदयपुर के बाद में चित्तौड़ पड़ता है, फिर भीलवाड़ा के विगोद एरिए में ये प्रवाहित होती है। और इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 190 किलोमीटर ये टोटल इसकी लंबाई है जो इसका प्रवाहित क्षेत्र है। उसके बाद में प्राचीन सभ्यता की अगर बात करें, इस नदी के ऊपर जो प्राचीन सभ्यता पाई जाती है वो पाई जाती है आयड सभ्यता, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में ये जो नदी है इसका मिलाप की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ में बेडच नदी का जो मिलाप है वो गंभीरी से होता है, यानी बेडच किससे मिल जाती है, गंभीरी में, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी। ध्यान रखना, एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका उद्गम क्या है और इसका प्रभावी जिले कौन से हैं, या फिर ये मिलाप कहाँ पे कर सकती है, या फिर इसकी सहायक नदी कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब आगे आगे नदी में चलते हैं। तो बेडच नदी के बाद में अपन देखेंगे आहू नदी। देखिए, आहू नदी की अगर अपन बात करें तो आहू नदी का सबसे पहले उद्गम कहाँ है, उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम इसका है मध्य प्रदेश के सुसनेर। सुसनेर एक एरिया का या फिर इलाके का नाम है जहाँ से नदी का उद्गम होता है, और ये मध्य प्रदेश जिले में पड़ता है। और उसके बाद में राजस्थान के झालावाड़ यानी झालरापाटन जो है से कोटा रामगंज मंडी की तरफ इसका प्रवाहित क्षेत्र होता है। राजस्थान में प्रवेश की अगर बात करें तो नंदपुर के निकट झालावाड़, यानी झालावाड़ जो ज़िला है राजस्थान का, जो पूर्वी जिला के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको आप चंबल नदी के सबसे ज़्यादा नदी का प्रवाह है, जलमल नदी का यहाँ पे, तो इसके झालावाड़ के नंदपुर के गांव में इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। उसके बाद में विशेष अगर अपन बात करें तो कालीसिंध आहू नदी के संगम बन गागरौन जिला स्थित है। ये सबसे फेमस है, यानी गागरौन जिला सबसे पहले कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है आपका झालावाड़ में। कौन सी नदी पे स्थित है, कालीसिंध नदी के संगम पर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन आहू नदी के, अगर आहू नदी के बाद में अगर बात करें तो नदी आती है अपनी कालीसिंध। देखिए, कालीसिंध नदी की अगर बात करें तो उद्गम क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश के देवास बांगली की पहाड़ियाँ, यानी मध्य प्रदेश के अंदर एक देवास नाम का एक एरिया है जिसके अंदर बांगली की पहाड़ियाँ, यानी पहाड़ियों का नाम है एक बांगली, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और प्रवाही जिलों की अगर बात करें, यानी राजस्थान के प्रवाही जिलों की बात करें तो वो झालावाड़ कोटा और बारा के अंदर ये प्रवाहित होती है। और राजस्थान के अंदर जो मध्य प्रदेश से प्रवेश जो करती है राजस्थान का, सबसे पहला शीरा कौन सा है, या सबसे पहला जो ज़िला अपने पास में है वो रायपुर के निकट झालावाड़ ज़िले में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो कालीसिंध की सहायक नदी आहू नदी है, परवन है, निवाज है, और इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है ये काफ़ी फेमस है, यानी इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है वो हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है, या इसके ऊपर जो बांध जो बना हुआ है वो उसका नाम क्या है, हरिश्चंद्र बांध है। आगे अपन नदी पर चलते हैं, कालीसिंध नदी के बाद में अपन देखते हैं पार्वती नदी। देखिए, पार्वती नदी के बारे में अगर अपन बात करें तो इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी के सीहोर नामक स्थान पर, यानी एक एरिया है जो, यानी एक गांव है सीहोर, वहां से इसका उद्गम होता है और विंध्याचल पहाड़ी की सहायता से होते हुए मध्य प्रदेश की से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जो प्रवेश जहाँ से करती है वो है करियाट के निकट बारा ज़िले में, यानी बारा ज़िले के करियाट क्षेत्र में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। उसके बाद में बारा और कोटा में ये इसका प्रवाहित
प्रवाही क्षेत्र देखा गया है। पार्वती नदी के बाद में अपन बात करें गंभीरी नदी की, तो गंभीरी नदी के बारे में अपन बात करते हैं तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है। सबसे पहले उसका उद्गम कहाँ पे, उद्गम की बात करें तो चित्तौड़ के अंदर इसका उद्गम है। सहायक नदी अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, बेड़च नदी। चलिए अपन अब गंभीरी नदी के बाद में जो नदी अपन देखेंगे वो रहा है कोठारी नदी। देखिए कोठारी नदी का सबसे पहले जो उद्गम है वो है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद, यानी राजसमंद के अंदर जो दिवेर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं वहाँ से इसका उद्गम है। प्रवाही जिले कौन कौन से हैं, राजसमंद से प्रवाहित होकर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के अंदर जाती है और बनास नदी में मिल जाती है। यानी ये लास्ट में कोठारी नदी कहाँ मिल जाती है, बनास नदी में, कहाँ, भीलवाड़ा के अंदर। इसके ऊपर बांध कौन सा बना हुआ है, मेजा बांध, ये भी काफ़ी फेमस है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि मेजा बांध जो है वो कौन से नदी की संगम या फिर कौन से नदी के तट पर स्थित है, वो है कोठारी नदी के बाद में। आगे अपन देख लेते हैं कोठारी नदी के बाद में जो नदी आने वाली है वो है निवास नदी। देखिए निवास नदी की अगर अपन बात करें तो निवास नदी का जो उद्गम है वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग, यानी विंध्याचल पर्वत जो है उसके उत्तरी भाग में जो राजगढ़ के निकट से इसका उद्गम स्थान है। और राजस्थान में अगर प्रवाही क्षेत्र अगर अपन बात करें तो प्रवाही क्षेत्र झालावाड़ और बारा जिले के अंदर ये प्रवाहित होती है निवास नदी। राजस्थान में जो प्रवेश है, यानी मध्य प्रदेश से राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है वो करती है कोलो खेड़ी के निकट झालावाड़ जिले में, यानी झालावाड़ जिले में एक कोलो खेड़ी एक गाँव है जहाँ से क्या करती है, प्रवेश करती है राजस्थान में। निवास नदी के बाद में अपन देख लेते हैं बाणगंगा नदी। देखिए ये काफ़ी फेमस नदी है बाणगंगा नदी, अगर बात करें तो इसका उद्गम जो है वो जयपुर के विराट की पहाड़ियाँ जो पड़ती है ना विराट के अंदर, जयपुर जिले के अंदर, और इसके अंदर अन्य नाम से इसको जाना जाता है अर्जुन की गंगा। इसी बाणगंगा को आप क्या कहते हो, अर्जुन की गंगा भी अपन इसको बोलने देखने को मिलती है अर्जुन की गंगा। और इसके ऊपर जो सभ्यता पाई जाती है वो है विराट सभ्यता। इसकी कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है, यानी बाण गंगा का जो पानी जो है वो सीधा कहाँ पे गिरता है या कहाँ के संगम करता है, यमुना नदी में गिरता है। प्रवाही क्षेत्र की अगर बात करें तो जयपुर से चल के दौसा, दौसा से भरतपुर में ये इसका प्रवाहित क्षेत्र है। बाण गंगा के बाद में अब वो नदी देख लेते हैं तो वो नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। देखिए घोड़ा पछाड़ नदी की अगर बात करें तो घोड़ा पछाड़ नदी सबसे पहले तो बिजोलिया झील, यानी इसका उद्गम जो है बिजोलिया झील, यानी बिजोलिया झील कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर, और मिलाप कहाँ पे होता है, मांगली नदी में इसका मिलाप हो जाता है। और बांध इसके ऊपर जो है गाढ़ धाधा नामक इस पर बांध बना हुआ है, गाढ़ धाधा, ये आपको याद रखना है कि इसके ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, गाढ़ धाधा इसके ऊपर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं घोड़ा पछाड़ नदी के बाद में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे चूहड़ नदी। तो चूहड़ नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम है या फिर इसका जो उद्गम स्थल है वो है अलवर, अलवर के अंदर चूहड़ सिद्ध पहाड़ियाँ, अलवर के अंदर जो पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं चूहड़ सिद्ध की पहाड़ियाँ पड़ती हैं उसके ऊपर इसका उद्गम है। सहायक नदी की अगर बात करें तो सहायक नदी में इसके सबसे पहले है होलानी, जिरोली, इस्लामपुर, बिलासपुर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। चूहड़ नदी के बाद में अपन बात कर लेते हैं मानसी नदी की। मानसी नदी की अगर अपन बात करें तो इसका उद्गम जो है वो भीलवाड़ा के मांडल तहसील में इसका उद्गम होता है। और इसका मिलाप यानी किसके अंदर जाके मिल जाती है, खारी नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मानसी नदी के बाद में अगर अपन बात करें तो वो मैनाली नदी आती है। मैनाली नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम जो देखते हैं वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ, यानी भीलवाड़ा के अंदर एक मांडलगढ़ नाम करके गांव का नाम है जहाँ जहाँ से इसका उद्गम होता है। और ऐसा ऐसा कहा जाता है ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इसका त्रिवेणी संगम भी इसको कहा जाता है। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है तीन नदियों का संगम, यानी बेड़च, बनास, मैनाली नदियाँ जो मिलती है वो आपकी त्रिवेणी संगम कहलाता है। नेक्स्ट अपन मैनाली नदी के बाद में अगर अपन बात करें वो तो अपन बात करें खारी नदी। देखिए खारी नदी की अगर बात करें तो इसका जो उद्गम है वो राजसमंद की बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, ये राजसमंद के अंदर एक बिजराल नाम का गांव पड़ता है जहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। और इसके मिलाप की अगर बात करें तो मिलाप इसका होता है बनास नदी में। और प्रभावित जिले की अगर बात करें तो खारी नदी सबसे पहले कहाँ से उद्गम होती है, राजसमंद से उद्गम होती है। तो राजसमंद, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में अजमेर, उसके बाद में टोंक जिले में ये प्रवाहित होती है। खारी नदी के बाद में अपन बात करते हैं मेज नदी की। तो मेज नदी के बारे में अपन अगर डिस्कस करें या फिर बात करें तो सबसे पहले बिजोलिया के निकट भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा के अंदर जो बिजोलिया गाँव पड़ता है उसके पास में मेज नदी का उद्गम स्थल है। और सहायक नदी की अगर हम बात करें तो भाजन, कुराल, मांगली इसकी सहायक नदियाँ हैं मेज नदी की। आगे चलते हैं मेज नदी के बाद में अगर हम बात करें तो नदी है आपकी शोहद्रा।
सुभद्रा नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम जो है वो अराय गांव अजमेर, यानी अजमेर के अंदर एक गाँव पड़ता है अराय, वहाँ से इसका उद्गम है और मिलाप ही बना मानसी और बनास नदी में इसका मिलाप हो जाता है, यानी मिल जाती है। सुभद्रा नदी के बाद में अपन बात करते हैं चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, इसका अगर उद्गम की बात करें तो सेमली नामक गांव यानी झालरापाटन, यानी इस नदी का जो उद्गम है, चंद्रभागा नदी का जो उद्गम है वो है झालरापाटन, झालरापाटन के सेमली नामक गांव में, और इसका मिलाप जो होता है वो कालीसिंध नदी से होता है। आगे चलते हैं अपन, चंद्रभागा नदी के बाद में अगर बात करें तो नदी अपना पास में आती है बामनी नदी। देखिए, बामनी नदी के बारे में अपन बात करते हैं तो वो है आपका, सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम, इसकी अगर बात करें तो उद्गम आपका हरिपुरा गांव के पास में, भैसरोड़गढ़, के पास में इसका उद्गम है। मिलाप की बात करें तो ये चंबल नदी मिल जाती है, अन्य नाम इसको ब्राही नदी भी कहते हैं, यानी ब्राह्मणी नदी भी इसको कही जाती है। बामनी नदी के बाद में अपन बात करते हैं परवन नदी। देखिए, परवन नदी भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी फेमस नदी है। इसका अगर उद्गम स्थल करें तो मनोहर थाना झालावाड़ में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है। यह क्षेत्र के महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है और यह अजनार और घोड़ा पछाड़ नामक नदी की, सॉरी, अजनार और घोड़ा पछाड़ नामक नदी की एक संयुक्त धारा और मध्य प्रदेश से निकलती है। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट नदी में बात करें, परवन नदी के बाद में पीपलाज नदी। पीपलाज नदी का आपको उद्गम याद रखना है, पंचपहाड़ तहसील से निकलता है और मिलाप इसका होता है आहू नदी में, ठीक है। तो धन्यवाद आज की डिस्कशन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको डिस्कशन समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।